फ्रेंड्स वेलकम टू ममता की स्थालिका। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ममता। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये अफगानी पनीर। और ये जो रेसिपी है ना, शेफ संजीव कपूर से इंस्पायर्ड है। उन्होंने अफगानी चिकन बनाया था, लेकिन मैं बाय चॉइस वेजिटेरियन हूँ तो मैंने ये अफगानी पनीर बनाया। इसमें मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन। देखिए सारे मसाले वही होते हैं, एक तो इसमें सारे मसाले नहीं जाते, एकदम नटी और क्रीमी टेस्ट होता है। तो आप क्या करिए, मेरी वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शन बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए मैंने काजू कितने डाले, कर्ड कितना लिया, नहीं तो जो टेस्ट का बैलेंस खराब हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही मैजिकल बनेगा अफगानी पनीर। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते। देखिए ये वाला पनीर बनाने के लिए मैंने इतना मिल्क ले लिया है और ये काजू ले लिए हैं। अब मैं इसमें डिप करके आधे घंटे के लिए इन्हें रख दूंगी। हाफ एन आवर हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है ल्यूकॉम मिल्क में भिगाए हुए। अब हम इसका अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेंगे, मतलब ज्यादा दाने नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए काजू का पेस्ट मैंने बना लिया, जो मिल्क में डाल के रखे थे, सोक करके रखे थे। और ये देखिए मैंने दूसरा जार ले लिया, इसमें मैंने ये देखिए हरा धनिया इतना सारा साफ किया है, हरा धनिया, अदरक और ये मिर्च, इसका एक पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए 1 स्पून ये दही डाल के, क्योंकि पीसना आसान हो जाएगा, इसका हम पेस्ट बना के पीस लेंगे। कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था, हरी मिर्च, अदरक और धनिया, इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया। और ये जो पनीर है इसे मैंने थोड़े से ल्यूकवॉर्म वाटर में डाल लिया, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके पीसेस बना लेती हूँ। अब ये देखिए ये बिल्कुल थिक कर्ड जिसमें वाटर नहीं है, ये मैंने 1 स्पून भर के ले लिया। अब ये देखिए जो हमने ये मिक्स बना के रखा है मिक्सी में पीस के, इसको इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए अब इसको बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे, देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे से। ये मैंने 1 स्पून जो छोटी स्पून है धनिया और जीरे का पाउडर लिया, ये मिक्स कर दिया। कश्मीरी मिर्च ये 1/2 टीस्पून, देखिए 1/2 टीस्पून में सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट एज पर टेस्ट एज पर हेल्थ, जैसा कि हमेशा कहती हूँ। ये देखिए ये व्हाइट पेपर का पाउडर है, सफेद मिर्च जो होती है उसका पाउडर, ये थोड़ा सा ये डाला। अब ये देखिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें मैं ये पनीर ऐड कर दूंगी। देखिए बहुत कम मसालों में बहुत ही अच्छा सा बनता है ये अफगानी पनीर। ये देखिए ऐड कर रही हूँ और इसको बहुत सॉफ्ट हाथ से इसके ऊपर अच्छे से कोट करके, और 1/2 आवर के लिए कम से कम हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखिए अब मैंने इसे कवर कर दिया और इसे मैं रेफ्रिजरेट कर दूंगी 1/2 आवर के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अफगानी लोग होते हैं ना, वो नटी टेस्ट पसंद करते हैं, क्रीमी टेस्ट पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते। आपने देखा इसमें बिल्कुल भी मिर्च मसाले नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो टेस्ट है ना लाजवाब है। तो आप यदि नॉन वेजिटेरियन है, मैं बाय चॉइस वेजिटेरियन हूं तो एमेज नहीं कर सकती कि कैसा लगता होगा अफगानी चिकन। पर मैं आपको एक बात और राज खुलने जा रही हूं, ये अफगानी पनीर शेफ संजीव कपूर का मैंने अफगानी चिकन देखा था, बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है। थोड़े से चेंजेस मैंने अपने आप से किए हैं जो मैं करना चाह रही थी, और ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये, जब तक मेरे मैरिनेट हो रहे हैं पनीर, तब तक मैंने आपको ये बातें बता दी। 1/2 आवर हो चुका है मेरा, इसको मैंने फ्रिज करके रख दिया था, रेफ्रिजरेट करके रख दिया था। अब ये देखिए मैंने पैन चढ़ा लिया है, पैन गर्म होने देते हैं। इसमें हम ये देसी घी डालेंगे, ये देसी घी में ही बनता है, तो 1 चम्मच देसी घी और डालेंगे। ये देखिए 1 स्पून देसी घी हम और डाल रहे हैं। ये देखिए ये मेरा देसी घी गर्म हो चुका है। अब हम इसको ये देखिए बिल्कुल ऐसे रखेंगे, सारे पीसेस ऐसे मैं लगा देती हूँ। ये देखिए यही इसकी रिचनेस होती है, ना इसमें टमाटर जाते हैं, ना इसमें बहुत सारे मसाले जाते हैं, इसकी जो रिचनेस होती है ना ऐसे ही आती है, देसी घी से, नट्स से। जो अफगानी रेसिपी होती है वो ऐसे ही बनती है। ये देखिए ये देसी घी में बिल्कुल ऐसे ही फ्राई किया जाएगा, और इसमें कोई छौंक बनाने की जरूरत नहीं होती अफगानी रेसिपी में, कोई बहुत ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं होती। इनकी जो रिचनेस होती है ना यही देसी घी में शैलो फ्राई होके, और जितने मैंने इसमें डाले, आप देखिए मैं एक भी मसाला नहीं डालूंगी। और ये जो मेरा ग्रेवी है ना ये भी यूज होगी अभी। तो मैं आपको बताऊं, रियली मैं बता रही हूँ, आप एक बार ये रेसिपी बिल्कुल ऐसे बना के देखना कि आप
फील करेंगे पूरा घर इस समय देसी घी से, और जो हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, अदरक डाली है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर हो रहा है। 3-4 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं इन्हें हम पलट के। ये देखिए सारे पलट लेती हूँ, सब हो चुके हैं 3-4 मिनट में। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, ये देखिए। अब 2-3 मिनट ही दूसरी तरफ से लगेंगे। अब ये देखिए दोनों तरफ से इतना गोल्डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैरिनेशन वाला पेस्ट था ये इसमें सारा ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने सारी जो मैरिनेशन वाला पेस्ट था, हरा धनिया मिर्च और अदरक का, वो डाल दिया है। और अब ये देखिए जो मैंने काजू का पेस्ट बना के रखा था मिल्क में, अब मैं वो ऐड कर दूंगी। देख रहे हैं अब आप क्या करेंगे, थोड़ी सी गैस बढ़ा देंगे। देखिए 2 मिनट वेट करेंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, और देखिए देसी घी बिल्कुल अलग हो रहा है, रोगन इसमें भी अपने आप अलग हो गया। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए अलग हो गया सारा रोगन। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिनिमम करके गैस, मतलब मीडियम करके गैस, इसका ढक्कन लगा देंगे, लिड लगा देंगे। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द रेसिपी। वाओ, दिस इज रिच यम्मी क्रीमी अफगानी पनीर। इस किसी टमाटर की ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, किसी छौंक की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है। इसको जानने के लिए तो आपको एक बार बनाना तो बनता ही है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना अफगानी पनीर, मेहनत भी नहीं है और कितना मतलब एकदम प्रोपोर्शनेट बना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो मैंने बनाया है स्केल करके 3 लोगों के लिए बनाया, लेकिन यदि आप बिगनर्स हैं और आपको नहीं आता है प्रोपोर्शन कितना मसाले चाहिए इसमें, एक तो मसाले बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, अपने आप ही देखिए इसका रोगन बाहर आ जाता है। तो आप क्या करिए, मेरी ये डिश जितने मसाले मैंने बताए हैं, जितना प्रोपोर्शनेट बताया है, 2 या 3 इंग्रेडिएंट से बनाया है, तो आप इसी तरह से बनाएं और सच में बनाएं एक बार, तभी आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और जल्दी से बनाइए, जैसे ये रेसिपी देखेंगे ना अफगानी पनीर की, तुरंत बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना कि आपका अफगानी पनीर कैसा बना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी में, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए, और मुझको ये बताना बिल्कुल मत भूलना किस शहर से, किस जगह से, किस सिटी से बैठ के आपने ये अफगानी पनीर देखा और बनाया।